बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ आपको आगाह करें कि मोहसिन पाकिस्तान आटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल फरमा गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए। उनकी फैमिली ने इस बात की तस्दीक कर दी है। आज सुबह 7 बजे उनका रज़ाए लाही से इंतकाल हो गया है और 3:30 बजे उनका फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और उसके बाद उनकी तदफीन इस्लामाबाद के मरकज़ी कब्रिस्तान में कर दी जाएगी। 28 मई 1998 को अब्दुल कदीर खान साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया, जिसकी वजह से 22 करोड़ पाकिस्तानी बड़े फ़खर के साथ तन के 1.5 अरब हिंदुस्तानियों का मुकाबला करते आए और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिलाशुबा आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और पाकिस्तान ने अपने बहुत बड़े एसेट, बहुत बड़े जेम को खो दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है कि उनकी वजह से हम पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं। उनकी वजह से, उनकी टीम की वजह से हम पूरी दुनिया में एज अ न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं और आपकी वजह से हमारी मुल्क में हम शाना बशाना आंखों में आंखें डाल के अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। आप सब से दरख्वास्त है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के इस आले सवाब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान काफ़ी अरसे से अलीव थे, काफ़ी अरसे से बीमार थे और आज सुबह उनकी डेथ हो गई। आप सबसे उनके लिए दुआ के इल्तमास है। दुश्मनों की धमकियों को जो हम हंसी में उड़ा देते हैं, ए मोहसिन पाकिस्तान, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। रेस्ट इन पीस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान।